मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इस भरतपुर जिले के परिवार के मुखिया मेरे छोटे भाई ऋषि बंसल जी, सभी वरिष्ठ नेतागण और इस देवतुल्य सभा में उपस्थित आए मेरे सारे भरतपुर जिले के भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आप सबको प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं कि आज हम इस कार्यक्रम के निमित्त यहां उपस्थित हुए। माननीय मोदी जी की यशस्वी सरकार के 9 साल पूरे हो और 9 साल तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र के साथ इस देश का उत्थान और इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न योजनाएं बना करके उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक तरफ जहां काम किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए देशवासियों का खोया हुआ विश्वास और आत्मविश्वास जो है उसको पुनर्स्थापित करते हुए देश को आगे बढ़ाते हुए विश्व की नजरों में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये जो अवसर आप लोगों ने प्रदान किया, ये जो अवसर खोया हुआ विश्वास और आत्मविश्वास जो है उसको पुनर्स्थापित करते हुए देश को आगे बढ़ाते हुए विश्व की नजरों में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, ये जो अवसर आप लोगों ने प्रदान किया, ये जो अवसर भारत की जनता ने प्रदान किया, भरतपुर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहां से खिला करके प्रदान किया, ये जो देश के लोगों की सेवा का अवसर आप सबने दिया, भारतीय जनता पार्टी कृतज्ञ भाव से, कृतज्ञ मन से देश भर के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए, देश के सभी मतदाताओं का कि आप सब ने आशीर्वाद देकर के हमें भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाकर सरकार बना करके गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का, सेवा करने का जो अवसर प्रदान किया है, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, आपका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मित्रों, मैं विज योजनाओं की बात नहीं करना चाहता, माननीय नड्डा जी हम सबके बीच में आने वाले, लेकिन गरीबों के जीवन में जिस तरह से परिवर्तन किया गया, बिजली हर घर तक पहुंचे, शौचालय हर घर में बने, गैस का चूल्हा हर घर तक पहुंचे, गरीब आदमी को घर मिले, भ्रष्टाचार रोकने के लिए बैंक का खाता खुले, इन सब के साथ साथ में